जब हम करने वाले हैं थ्योरम 15.16, तो जितना बड़ा ये थ्योरम, जितना डरावना ये थ्योरम पढ़ने में है, उतना इजी ये थ्योरम अप्लाई करने में, बड़ा इजी थ्योरम है ना। तो देखो एक बार देख लेते हैं इसको, एक बार स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। अब ना चाहते हुए भी पढ़ना पड़ेगा मुझे स्टेटमेंट, है ना, पर क्या करें, पढ़ना तो पड़ेगा ही। देखो थ्योरम कह रहा है, 15.16 कह रहा है, इफ़ द कॉर्ड एंड द टेंजेंट इंटरसेक्ट एक्सटर्नली, देन द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द सेगमेंट ऑफ द कॉर्ड इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब आप बोलोगे सर आपने क्या पढ़ा, कुछ तो समझ में नहीं आया। कोई बात नहीं, अब आ जाएगा आपके समझ में, एक बार आप इसको देख लो। तो यहाँ पे देखो ये एक सर्कल है, ठीक है, तो ये कॉर्ड है, देखो ये एक टेंजेंट है, देखो ये टेंजेंट है टी पी, ये कॉर्ड है ए बी, ठीक है। अब ये इंटरनली, ठीक है, इंटरसेक्ट करती है इंटरनली, ठीक है, इंटरनली कह रहा हूँ, एक्सटर्नली यहाँ पर देखो इंटरसेक्ट कर रही है, एक्सटर्नली इंटरसेक्ट कर रही है। देन द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द सेगमेंट, तो प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द सेगमेंट, अब देखो सेगमेंट कहाँ है हमारा, अब ये हमारा सेगमेंट, अब ये है हमारा सेगमेंट, ठीक है। तो क्या कह रहा है, प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द सेगमेंट ऑफ द कॉर्ड, अब ये कॉर्ड इज इक्वल टू द स्क्वायर द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ऑफ ए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसका मतलब ये है कि भाई जो मेरा पी ए है, देखो ये मेरे यहाँ से यहाँ तक जो मेरा पी ए है, इंटू अगर मैं पी बी करता हूँ, पी ए इंटू अगर मैं पी बी करूँ, तो ये ना किसके बराबर आएगा, ये पी टी के स्क्वायर के बराबर आएगा, है ना। तो मैं इसको अब प्रूफ करने की कोशिश करता हूँ, बड़ा ही ईजी ये है। तो आपको अगर अगर ऐसा कुछ आपको पता चले, तो आप डायरेक्ट डायरेक्ट आप ये लगा सकते हो भाई कि पी ए इंटू पी बी इक्वल्स टू पी टी स्क्वायर। अगर ऐसा कोई डायग्राम आए तो आप थ्योरम डायरेक्ट कौन सा लगा सकते हो, 15.16 लगा सकते हो। तो इसको भी अभी मैं प्रूफ करता हूँ कि भाई ये आया कहाँ से, इसको प्रूफ भी कर लेता हूँ अभी थोड़ी देर में, ठीक है, इसको मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा आपको। पर ये थ्योरम क्या कहता है भाई, ये थ्योरम थोड़ा सा पढ़ने में कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा परेशान हो जाता है, देखो मैं भी हुआ था, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। पर आपको बस ये स्टेटमेंट, ये चीज़ याद रखनी है कि भाई अगर पी ए इंटू अगर मैं पी बी करूँ, तो वो पी टी के स्क्वायर के बराबर होगा, है ना। चलो इसको देखते कैसे सॉल्व करा जाए, ठीक है। स्क्वायर ऑफ द टेंजेंट, टेंजेंट के स्क्वायर के बराबर होगा, है ना भाई, इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होगा, पी ए पूरे पी ए का और सिर्फ पी बी का, कॉर्ड का, एक कॉर्ड का और इस पूरे का मल्टीप्लाई किसके बराबर होगा, पी टी के स्क्वायर के बराबर। तो चलो देख लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, देखो अब देखो ऐसा कुछ है, तो मैं लिखता हूँ इन ट्राइंगल ए टी पी, ए टी पी ये पूरा वाला ट्राइंगल, एंड ट्राइंगल टी बी पी, टी बी पी ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, ये वाला अंदर वाला, और एक ये पूरा और एक ये वाला अंदर वाला ट्राइंगल, ठीक है जी। अब मैं ये बोल सकता हूँ, इससे प्रीवियस हमने एक थ्योरम पढ़ा था, तो उसमें मैं ये बोल सकता हूँ, यहाँ पे बहुत प्यार से देखिएगा कि भाई टी ए बी ये वाला जो ए है ना, ये किसके इक्वल होने वाला है, देखो देखो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, एंगल टी ए पी, टी ए पी ये वाला जो पूरा ये वाला एंगल है, ये किसके इक्वल होने वाला है, एंगल बी टी पी के, इस वाले एंगल के। तो इससे प्रीवियस जो हमने भी थ्योरम किया वो क्या कहता है, वो कहता है, देखो मैं बताता हूँ आपको, एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट आर इक्वल। तो देखो मैंने इससे प्रीवियस में आपको इस पर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि ऑल्टरनेट सेगमेंट्स क्या होते हैं, तो वो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं ना। तो भाई ये वाला इसके बराबर हो गया, ठीक है जी, एक चीज़ तो ये होगी, एंगल पी मेरा कॉमन एंगल है, ठीक है, अब एंगल बी मेरा कॉमन हो गया, भाई ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ट्राइंगल ए टी पी इज सिमिलर टू ट्राइंगल टी बी पी बाय एंगल एंगल एक्सायोम। अब अगर मैं ऐसे बोल सकता हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि भाई पी ए अपॉन पी टी इक्वल्स टू पी टी अपॉन पी बी, राइट। यहाँ देखिए ना,
अपॉन पी टी इक्वल्स टू पी टी अपॉन पी बी। अब मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो व्हाट वी गेट इज कि पी ए इंटू पी बी इक्वल्स टू पी टी इंटू पी टी। अब दो पी टी है तो भाई स्क्वायर कर लेता हूँ, तो पी ए इंटू पी बी इक्वल्स टू पी टी का स्क्वायर, और यही मुझे चाहिए था, और यही मेरा थ्योरम क्या है, बड़ा बहुत बड़ी थ्योरम है ना, तो मुझे भी थोड़ा यार पढ़ने में तो होता ही है ना, इतनी बड़ी थ्योरम याद भी नहीं होती है। अब आप याद कैसे कर लोगे इस पर इतनी बड़ी थ्योरम को, तो इसलिए याद करने का, इसलिए ये थ्योरम 15.16 थ्योरम 15.25 ये इसलिए लिखा जाता है। अब इतनी बड़ी थ्योरम है, अब छोटी थ्योरम हो तो यार याद भी कर लिया जाए, तो इसलिए अगर कभी आपको ऐसा लगे कि यार ये थ्योरम याद नहीं हो रही, तो उसका आप जो ये है स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट एक बार पढ़ लो, उसको समझ लो, और समझने के बाद जो जो कंक्लूज जिसको आपको अप्लाई करना है ना, बस उसको आपको समझ होनी चाहिए, बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी उसको, है ना। अप्लाई जिसको करना है वो याद है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तो देखो ये वाला भी हमारा थ्योरम हो गया 15.16। अब हम एक्सरसाइज करते हैं।